हाँ ठीक ठीक है सर, बताइए सर। मैं प्रदीप सक्सेना एडवोकेट जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कासिमा साहब ट्रस्ट। आज बरेली जिले में हमारे भाषी सक्सेना जी तिवारी उत्तर प्रदेश ने जो होली मिलन समारोह रखाया, इसमें उपस्थित हुए विष्णु प्रदेश में आए हुए हम लोग जी। मेरे साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती मनु सक्सेना जी और हमारे भाई अमन सक्सेना जी और मनु सक्सेना जी मन जासी। आज हमारे द्वारा यहाँ पे होली का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम फूलों से होली खेलेंगे और हमारी संस्था द्वारा कोरोना काल के अंदर भी जो बच्चे हमने वहाँ से छड़ गए थे माँ बाप से, उनके लिए काफ़ी कुछ किया गया है। और हमारी संस्था ने कोरोना काल के अंदर जो परिवार कोरोना से पॉजिटिव थे उनके परिवारों के लिए हमने निःशुल्क भोजन व्यवस्था कराई थी, उनके लिए निःशुल्क हमने दवाइयों की व्यवस्था कराई थी। हमारी संस्था समय समय पर गरीब बच्चों की पढ़ाई में अपना योगदान देती है। अभी मैं पहले कुछ टाइम पहले यहाँ आया था बरेली में, तो एक परिवार ऐसा था जिसके माँ बाप खत्म हो गए, तो उसके बेटे के लिए 5,000 की आर्थिक सहायता नगद दी गई थी और उसके पढ़ाई का सारा खर्चा हमारी संस्था द्वारा उठाया गया। समय समय पर इस तरह के कार्य किए जाते रहते हैं। और अगर अपनी चित्रांश बंधुओं से कोई हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव यहाँ कोई है उसके लिए भी हम मदद करते हैं, और अगर कोई बच्चा अनाथ है तो उसके लिए हमारी संस्था हमेशा सहयोग करती है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ आकर चुके हैं। आप लोगों को होली देर होली देती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीति सक्सेना है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अखिल भारतीय कासिमा। क्या कहना चाहती है? सबसे पहले तो मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज जो हमारे ट्रस्ट के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है बहुत ही सराहनीय है, और हम समय समय पर जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों की मदद करते रहते हैं, आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि समाज के फायदे ही नहीं हर पहलू को लेकर समाज को लेकर अपना कार्य करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कासिमा साहब ट्रस्ट।